बात रामपुर की, जहां बीजेपी के लिए नासूर बने कब्जाधारी नेता। जी हां, बीजेपी के जिला अध्यक्ष पर जबरन जमीन कब्जा करने का आरोप लगाया। दबंगई दिखाते हुए शिव मंदिर में ताला लगाया। बीजेपी जिला अध्यक्ष सुरेश गंगवार ने शिव मंदिर पर किया कब्जा। परिसर में रातों रात अवैध निर्माण करा लिया। रातों रात बनवा दी गई दुकानें, श्रद्धालुओं को डरा धमका कर भगा दिया गया। स्थानीय लोगों में इसको लेकर आक्रोश देखने को मिल रहा है। तो बीजेपी जिला अध्यक्ष सुरेश गंगवार ने शिव मंदिर पर किया कब्जा। परिसर में रातों रात अवैध निर्माण करा दिया गया। लोगों में खासा आक्रोश देखने को मिल रहा है। तो बीजेपी नेता जमीन पर कब्जा करने में जुटे। रातों रात बनवा दी गई दुकानें, ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। मंदिर पर ताला लगवा दिया गया। श्रद्धालुओं को डरा धमकाकर वहां से भगा दिया गया। जिसने भी विरोध किया उसे डरा धमकाकर यहां से भगा दिया गया और जमीन पर कब्जा किया गया। स्थानीय लोगों में खासा आक्रोश है। स्थानीय लोग इस बात का विरोध कर रहे हैं, लेकिन बीजेपी नेता सुरेश गंगवार जमीन पर कब्जा करने में जुटे हैं। तो बीजेपी के जिला अध्यक्ष हैं जिन्होंने ये कब्जा किया। दबंगई दिखाते हुए शिव मंदिर में ताला लगवा दिया और परिसर में रातों रात अवैध निर्माण करा दिया गया। तो एक तरफ समाजवादी पार्टी पर जमीन आने का आरोप लगाते हुए बीजेपी मोर्चा खोलती है, तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी के ही नेता जमीन कब्जाने में जुट गए हैं। मामला रामपुर का है, जहां पर स्थानीय लोगों में आक्रोश बना हुआ है। वो इसलिए क्योंकि बीजेपी नेता सुरेश गंगवार ने, जो कि बीजेपी के जिला अध्यक्ष है, उन्होंने जमीन पर कब्जा कर लिया है। दबंगई दिखाते हुए शिव मंदिर में लगा दिया गया ताला। इसको लेकर लोगों में आक्रोश है। दबंगगिरी से, पैसों से, सब कुछ पैसों के बल्ले करा था इन लोगों ने। सभी इसमें तहसील के सभी कुछ कार्य कर रहे हैं, बड़े बड़े कार्य कर रहे हैं, उन्होंने सब कुछ पैसे के जरिए करा। सुरेश है ना, इसमें तीन लोग हैं। अब नाम तो हम जानते नहीं, नाम क्या, तीन लोग में देखिए क्या है ये। ये रात ही रात में बॉन्डिंग हुई है। तो न गुंडाराज न भ्रष्टाचार, अब की बार भाजपा सरकार, ये नारा देने वाली बीजेपी के फैसलार गुंडाराज के जरिए जिला रामपुर में भ्रष्टाचार का आतंक फैला रहे हैं।